एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 3,000 से भी ज़्यादा पदों के लिए टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई हुई है, बिल्कुल 100% रेगुलर बेसिस की परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं। प्रिंसिपल पीजीटी और टीजीटी की यहाँ वैकेंसी है, पीजीटी टीजीटी के लगभग सभी सब्जेक्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। ऑनलाइन ही आपको इनके लिए आवेदन करना होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस इनका शुरू हो गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31/5/2021। हाँ जी दोस्तों, 31 मई 2021 तक आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये देखिए, सबसे पहले पे स्केल देख लीजिए। प्रिंसिपल के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 12 78,800 से 2,09,200, वाइस प्रिंसिपल के लिए लेवल 10 56,100 से 1,77,500। पीजीटी के लिए किन किन की वैकेंसी है, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पे लेवल 8 है 47,600 से 1,51,100। टीजीटी के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज, लेवल 7 44,900 से 1,42,400। जहां तक एज लिमिट की बात है, प्रिंसिपल के लिए अपर एज लिमिट 50 साल है। बाकी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल रेगुलेशन आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में छूट भी मिल जाएगी। इसी तरह से वाइस प्रिंसिपल के लिए अनरिजर्व के लिए 45, पीजीटी अनरिजर्व के लिए 40 साल और टीजीटी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 35 साल निर्धारित की गई है। जहां तक क्वालिफिकेशन की बात है, पीजीटी के लिए कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो कम से कम 50% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ आपने कर रखी हो बीएड। रेलिवेंट या कंसर्न सब्जेक्ट कौन से हैं, यहाँ ये पूरी लिस्ट दे दी गई है। पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश लिटरेचर है, पीजीटी के लिए हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायो, पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी, पीजीटी कॉमर्स के लिए मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स। हाउएवर, होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में, मास्टर्स डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या एमटेक कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ देख लीजिएगा पीजीटी बायोलॉजी के लिए, ये आप देख सकते हैं। और जहां तक बात है टीजीटी के लिए कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कम से कम 50% अंकों के साथ, कंसर्न सब्जेक्ट कौन से हैं, किस सब्जेक्ट के लिए, वो यहां दे दिया गया है। टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल थ्री ईयर्स, फॉर टीजीटी इंग्लिश, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द थ्री ईयर्स। टीजीटी एसएसटी के लिए एनी टू ऑफ द फॉलोइंग मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में से कोई दो, और इनमें से हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक होना आवश्यक है। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल विद वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ सेकेंड सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन में मैथ तो जरूर हो, उसके बाद इनमें से कोई एक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या फिर स्टैटिक्स। टीजीटी साइंस के लिए बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, और उसी के साथ साथ बीएड, और उसी के साथ साथ आपने बीएड कर रखी हो, और उसी के साथ साथ स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर 2 क्लियर होना भी आपका आवश्यक है। आयु की जो गणना है वो 30 अप्रैल 2021 को आधार मानते हुए की जाएगी, तो ये ध्यान रखिएगा, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर 2 क्लियर होना आवश्यक है अगर आप टीजीटी के लिए आवेदन करते हैं। तो अपर एज लिमिट में किसे कितनी छूट मिलेगी, ये लिस्ट दे दी गई है। एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल, कैंडिडेट विद 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट 5 साल, पर्सन विद डोमिसाइल्ड इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग 1/1980 to 31/12/1989, 5 साल की अपर एज लिमिट में छूट है। पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को 15 साल की, ओबीसी 13 साल और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 10 साल की छूट यहाँ दी जा रही है। जहां तक फीस की बात है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए 2,000 रुपये है, पीजीटी टीजीटी के लिए 1,500 रुपये यहाँ निर्धारित की गई है। तो ये यहाँ एप्लीकेशन फीस है, ये आप देख लीजिएगा। फीस में रिलैक्सेशन है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। और ये आ गई है स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ वैकेंसीज एज पर रिजर्वेशन रोस्टर, स्टेट वाइज वैकेंसियां
यहाँ दे दी गई हैं। आंध्र प्रदेश में टोटल 117 वैकेंसियां हैं, प्रिंसिपल 14, वाइस प्रिंसिपल 6 और टीजीटी के 97 वैकेंसियां हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल 514 पोस्ट हैं, प्रिंसिपल 37, वाइस प्रिंसिपल 19, पीजीटी 135 और टीजीटी के 323 हैं। गुजरात में टोटल पोस्ट हैं 161, प्रिंसिपल 17, वाइस प्रिंसिपल 2, पीजीटी 24, टीजीटी 118। हिमाचल प्रदेश में टोटल 8 वैकेंसियां, प्रिंसिपल की 1 है, वाइस प्रिंसिपल 0, पीजीटी 6, टीजीटी 1। झारखंड टोटल वैकेंसियां 208, प्रिंसिपल 8, वाइस प्रिंसिपल 8, पीजीटी 132, टीजीटी 60। जम्मू कश्मीर में टोटल 14 वैकेंसियां हैं, प्रिंसिपल की 2 हैं, टीजीटी की 12 हैं। मध्य प्रदेश में टोटल 1,279 वैकेंसियां हैं, प्रिंसिपल की 32 हैं, वाइस प्रिंसिपल की 32 हैं, 625 हैं पीजीटी की और 590 हैं टीजीटी की। महाराष्ट्र में टोटल 216 हैं, प्रिंसिपल 16, वाइस प्रिंसिपल 8, पीजीटी 28, टीजीटी 164। मणिपुर में 40 वैकेंसियां हैं, वाइस प्रिंसिपल की 2 हैं, पीजीटी की 8 और टीजीटी की 30 हैं। मिजोरम में टोटल 10 वैकेंसियां हैं, वाइस प्रिंसिपल 3, पीजीटी 2 और टीजीटी की 5 वैकेंसियां हैं। ओडिशा में टोटल 144 हैं, प्रिंसिपल की 15 हैं, वाइस प्रिंसिपल की 11 हैं, पीजीटी की 12 हैं और टीजीटी की 106 हैं। राजस्थान में 316 वैकेंसियां हैं, जिसमें 16 प्रिंसिपल, 11 वाइस प्रिंसिपल, 102 पीजीटी, 187 टीजीटी। सिक्किम में 44 वैकेंसियां हैं, 2 प्रिंसिपल, 2 वाइस प्रिंसिपल, 17 पीजीटी, 23 टीजीटी। तेलंगाना में 262 वैकेंसियां हैं, 11 प्रिंसिपल, 6 वाइस प्रिंसिपल, 77 पीजीटी, 168 टीजीटी। त्रिपुरा में 58 वैकेंसियां हैं, 1 प्रिंसिपल, 3 वाइस प्रिंसिपल, 36 पीजीटी, 18 टीजीटी। उत्तराखंड में 1 प्रिंसिपल, 1 वाइस प्रिंसिपल, 3 पीजीटी और 4 टीजीटी की वैकेंसियां हैं। टोटल 3400 पोस्ट ये हैं, आप देख लीजिएगा। और अब दे दी गई है स्टेट के अकॉर्डिंग वैकेंसियां, 16 अलग अलग राज्यों में वैकेंसियां आई हुई हैं। तो स्टेट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज वैकेंसियां दी गई हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी की आप देख लीजिएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में वैकेंसियाँ दी गई, तो स्टेट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा आपके स्टेट में किस सब्जेक्ट की वैकेंसियां आई हुई हैं, पूरी डिटेल यहां दे दी गई है। तो 16 अलग अलग राज्यों की तरफ से रिक्रूटमेंट है, और सिर्फ ये 16 राज्य के कैंडिडेट्स ही इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप जिस राज्य के लिए आवेदन कर रही हैं वहां का डोमिसाइल मांगा गया है, तो अगर आपके पास पर्टिकुलर स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो ही फिर आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट आई हुई है 16 अलग अलग राज्यों में एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर की गई। जहां तक आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात है, ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.nta.nic.in। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2020-21, ये प्रेस रिलीज है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, द एक्सटेंडेड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ ETSSE 2020-21 इज नाउ अप टू 31 मई 2021, एंड फॉर पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फी इज अप टू 1 जून 2020-21। तो अब आप इन पदों के लिए 31 मई 2021 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और 1 जून 2021 तक फीस जमा करा सकते हैं। पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2021 थी, तो अब उसको बढ़ा के 31 मई 2021 कर दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, मेन मेन जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दी गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।